हम अब जा रहे हैं ब्रीडिंग लॉफ्ट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये इनका ब्रीडिंग लॉफ्ट, इन्होंने अच्छे तरीके से इसको ढापा है क्योंकि फिलहाल ठंड का सीज़न चालू है। ठंड के सीज़न में भी देखिए दोस्तों, ये इनका लॉफ्ट कैसा दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, अंदर चलते हैं, देखते हैं इनका ब्रीडिंग लॉफ्ट कैसा है क्या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये अमजद भाई टिप्पर वाले, इनका ब्रीडिंग का लॉफ्ट, और ये इनके कबूतर। ये देखिए दोस्तों, ये इनके ब्रीडिंग के केज। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सेटअप, अच्छी क्लीनिंग और अच्छे कबूतर का कलेक्शन। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी साइड है। थोड़ी देर में तो फोन लगा दूंगा घर के पास आने पर, फोन लगाओ तो जागो कि तुम आए। और ये देखिए दोस्तों, और ये इधर एक इनकी पेटी है, ये यहाँ पर भी कबूतर है। बहुत ज़बरदस्त लॉफ्ट। और ये इनके कुछ खुले कबूतर है। हाँ, ये उड़ान के लिए उधर शिफ्ट करने का है क्या? हाँ सुभाष भाई, वो उधर शिफ्ट करना है, उसके लिए पहले ही कलर लगाए। हाँ, देखिए दोस्तों, उड़ान की तैयारी इनकी अभी से चालू है, ये धूप काली की तैयारी है। ये देखिए दोस्तों, ये इनके कबूतर। तो चलिए दोस्तों, अब इनके जो ब्रीडिंग के कबूतर है तो मैं आपको उसका शो कराता हूँ। हाँ अजहर भाई, ये कौन सा पेड़ है? सुभाष भाई, ये गोल्डन पेड़ है। हाँ, और माशाल्लाह मादी भी अपने पास बहुत अच्छा उड़ी हुई है। 1:30 बजे 43-44 टेम्परेचर में उड़ी हुई है मादी। हाँ, गोल्डन मादी। और मादी की खासियत ये है इसमें कि दुम में 14 पर है। हाँ, और नर के बच्चे बहुत अच्छा उड़े अपने पास, रिजल्टेड है। और हमारे जो उस्ताद हैं दाउदुल्ला हुसैनी साहब, उन्होंने ये जोड़ा मिलाया है, पप्पू भाई प्यार से बोलते हैं उनको। हाँ, तो बच्चे का भी बहुत ही सयान है और अच्छी उड़ान आ रही भाई इसमें। फिर भी आपके पास इसके बच्चे कितनी देर उड़े, क्या उड़े? अभी प्रेजेंट दो बच्चे सुहास भाई, एक बच्चा अपने पास 1.5-2 घंटे कर रहा है। हाँ। और एक प्रेजेंट इसके पास है, ये जो घोड़ा मिला है पर। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये गोल्डन का पेयर। ये बच्चा इसमें ऐसा गिरा भाई, गोल्डन का है, यही जोड़े का है भाई। ये देखिए दोस्तों, गोल्डन का पेयर, ये गोल्डन का। ये बच्चा इसकी नानी के ऊपर चलेगा भाई, क्योंकि इसकी नानी भी अपने पास है, शौक कराऊंगा मैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसके पर देखिए, शायद सेलेटी बोलते क्या इसको? सेलेटी गोल्डन भी बोल सकते हैं। हाँ, सेलेटी गोल्डन। हाँ, सही है सही है, सेलेटी गोल्डन बोल सकते हैं इसको। हाँ, माशाल्लाह बहुत थोड़े दिन में उड़ने के लायक बन जाएंगे अभी, 2-4 दिन के अंदर। हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये इनका ही बच्चा है स्वाद में, ये देखिए बच्चे की, बच्चे की भी स्टैंडिंग भी है। ये देखिए दोस्तों, ये गोल्डन पट्टा, गोल्डन पेयर का, बहुत ही खूबसूरत अच्छा पेयर, अमजद भाई टिप्पर वाले इनके लॉफ्ट का। और आजर भाई इनके बारे में मालूम दे रहे, तो आजर भाई आपका आना जाना इस लॉफ्ट में ज़्यादा रहता है क्या? जी जी सुहास भाई, मैं तकरीबन 5-6 साल जाता हूँ भैया के पास। हाँ हाँ, जो जोड़े के बच्चे उड़ रहे, जो भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो दोनों में मालूम रहती है ज़्यादा। बहुत आजर भाई, ये कौन सा पेयर है? जी सुहास भाई, नर तो चूहा नर है। हाँ हाँ, हमारे जो उस्ताद दलबीर सिंह हैं उनका ना रही है। हाँ, ये जो मादी है गोल्डनों में की है सुहास भाई मादी। हाँ हाँ, देखिए मादी। हाँ हाँ, गोल्डन में की मादी। और माशाल्लाह ये जोड़ा भी बहुत अच्छा बैठा भाई, और बच्चे भी अच्छा उड़ रहे इसमें भी। बहुत ज़बरदस्त ये भी पेयर। और चूहे कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, और इनकी क्रॉस ब्रीड तो बहुत उड़ती है ऐसा मैंने सुना है। सुहास भाई, प्योर में थोड़ा कम उड़ेंगे मेरे हिसाब से अभी, और जितना आप क्रॉस करेंगे इसको अच्छे ब्लड लाइन में तो अच्छा रिजल्ट देंगे सुहास भाई इनके बच्चे। तो इसीलिए तो गोल्डन की मादी आपने लगाई है ना? जी बिल्कुल सुहास भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बेहतरीन सेटअप और बेहतरीन कबूतर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेयर देखते हैं अब। ये देखिए दोस्तों, ये इनका नेक्स्ट पेयर कौन सा है भाई? ये पेयर, ये नर चूहा का सुना में का है सुहास भाई। हाँ, और मादी गोल्डनों में की है। हाँ, और जो आपको पहले वाले पेयर में मादी बताया मैं। हाँ, उसकी माँ है ये मादी।
और मादी माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़े इसके बच्चे अपने पास, जो आपको उड़ान के सेटअप में गोल्डन बताया और जो ब्रीडिंग में जो मादी पट्टी है उन सबकी माँ यही मादी है भाई। जिससे भी आप क्रॉस करिए इसके बच्चे 7 से 8 घंटे की परवाह है इस वजह से। और इसको एक प्रेजेंट अभी मैं संभल वाला एक नर लगा के बच्चा लिया हुए हैं, दो बच्चे जिसमें से एक यहाँ पे है, आपको मैं शौक कराता हूँ ऊपर ही। गोल्डन और संभल तारों में लगाए थे भाई। हाँ देखिए इनके पर बहुत जबरदस्त पल्ला है। और ये रही इनकी तुम और इसके आपका भी शुक्र हूँ सवाल देखिए मेरा, क्योंकि ज़्यादा छीते नहीं इन कबूतरों को। ये रही सुन, ये देखिए दोस्तों ये इसके ये संभल वाले तारों में और इसमें बने हुए भाई गोल्डन में, यही मादी जो ऊपर है ब्रीडिंग अब जो बताया आपने उसमें की। ऐसा ऐसा देखो एक बार, ये देखे दोस्त ये चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं इनका। ये देखिए दोस्तों ये इनका नेक्स्ट पेयर कौन सा है भाई? ये पेयर ये पिलंका चीना बोलते भाई और ये पिलंकी हरी मादी है। हाँ माशाल्लाह इनका दोनों के बच्चे बहुत अच्छा उड़े अपने पास। हाँ जो अपने 77 घंटे जो बने थे दुपकाले में हाँ उसमें से इसके दो बच्चे थे सुहास भाई और दोनों ने कुछ लगभग एक चिल्लर को बैठे थे, एक 12:50 और एक 15 को कुछ बैठी थी भाई इसकी मादी। और बच्चे जब भी उड़ते भाई अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट भी और सियान भी बहुत अच्छी है जोड़े के बच्चों की। तो उसका एक बच्चा भी है अभी प्रेजेंट में आपको शौक कराऊंगा सवाल भी उसके बाद। ये जोड़े का है, ये जोड़ का फ्लाइंग स्टाइल कैसा है? ये सुहास भाई सीधा छुटते ही बंद हो जाते हैं इसके बच्चे, छुटते ही बंद हो जाते हैं, सीधा छुटते ही बंद। ये ना पट्टी नहीं मारेंगे ना तुम्हारे को आके नीचे फिरेंगे। हाँ हाँ ये जब उठे सीधा बंद। हाँ और स्टैमिना खत्म होने के बाद सीधा नीचे आएंगे सुहास, जब तक इनकी उड़ान है मतलब 7-8 घंटे बोल लेंगे सीधा के घर पे बैठ जाएंगे। देखिए दोस्तों देसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबूतर हाई फ्लायर। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये इनका बहुत ही बढ़िया पेयर, ये कौन सा पेयर है भाई? ये टेडी पेयर है सुहास भाई। हाँ 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 हमारे लातूर में सुहास भाई बोल के हैं उनके पास का है। और मादी? मादी ये अपने पास की है भाई। जो हमारे खास दोस्त हैं संतोष भाई उनके पास की है। और माशाल्लाह इनका बच्चा भी बहुत प्यारा गिरा सुहास भाई इसका। यही पेयर में गिरा दूसरे पेयर में। बहुत ही बढ़िया पेयर ये, स्पेशली ये नर मेरे लॉफ्ट का नर है दोस्तों और ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट नर रहा था। जो अमजद भाई आज़र भाई मेरे लॉफ्ट पे आए थे तो इनको मैंने दिया था क्योंकि इनको भी वो नर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही बढ़िया नर। और मादी भी बहुत ही बढ़िया रहेगी होंगी इसीलिए इन्होंने ये पैर लगाए है ना आज़र भाई जी। माशाल्लाह सुहास भाई अभी ये प्रेजेंट लगाए हैं। हाँ हाँ इसका एक बच्चा लिया हुआ, मैं बच्चे का शौक कर रहा हूँ आपको, सामने ही है बच्चा, सामने है क्या? लाओ बोला यहाँ पे देखिए सुहास, एक मिनट ये देखिए दोस्तों ये बच्चा है, हाथ में दे उधर आइए। ये उनका चने भाई, ये देखिए दोस्तों ये है क्या बच्चा? जी सुहास भाई ये बच्चा है वो पैर का। हाँ जो आपका नर है। हाँ हाँ ये पर इसके। हाँ हाँ और ये इसके आग सुहास भाई, ये पट्टे की आग भी देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त, छीने नहीं देता सुहास भाई पटाई अभी भी। हाँ हाँ पकाने जाएंगे तो आप। ये देखिए इसकी भी आपको छोड़ के बताता हूँ, इसकी भी देखिए भाई स्टैंड, ये देखिए दोस्तों ये टेढ़ी पट्टा बहुत ज़बरदस्त स्टैंडिंग देखिए दोस्तों। ये क्या ये बड़े पेड़ की क्वालिटी और बाद में ये पट्टा भी वैसा ही होगा। ये देखिए दोस्तों ये इनका नेक्स्ट पेयर कौन सा है पेयर आजा भाई? ये नर देखिए सुहास भाई ब्लैक टाइगर नर है ओरिजिनल। हाँ जो बड़े के लक्ष्मण राणा थे। हाँ हाँ उनका नर है ये। और ये मादी मैं आपको बताया जो आपको वहाँ पे बंगड़ी नर बताया मैं जो अपने उस्ताद बने नसर। हाँ हाँ उस नर की माँ है सुहास भाई ये। ओहो बहुत जबरदस्त है। और मादी सुहास भाई इसके बच्चे भी शिकरे को जल्दी नहीं मिलते, बहुत तेज उड़ देंगे बच्चे नीचे आएंगे तो। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया पेयर और स्पेशली मुझे देसी कबूतर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है देसी कबूतरों का भी और बॉर्डर वाले कबूतरों का भी। जी सुहास भाई ये जो आप देख रहे हैं बंगड़ी नसल तकरीबन हमारे पास कुछ 60-70 थे तो दूसरे जगह भी थोड़े रखे हुए हैं। हाँ हाँ
अब क्या है थोड़ा ज़्यादा जगह कंसीव नहीं होने की वजह से क्या है दूसरे जगह भी ब्रीडिंग चल रही है इस बार। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पेयर। ये देखिए दोस्तों, ये इनका नेक्स्ट पेयर, ये कौन से है भाई? ये भी ब्लैक टाइगर में ही सुहास भाई। हाँ हाँ हाँ, और इसका पट्टा जो अपने पास गर्मा में उड़ रहा था जिसको शिकरा मारा, तो उसका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सुहास भाई। एक डेढ़ बजे 43-44 के टेम्परेचर में उड़ता, और बंदे होते हैं सुहास भाई इसके बच्चे। ये ब्लैक टाइगर नस्ल कहाँ की है? ये हुबली की नस्ल है, लक्ष्मण राणा की। हाँ हाँ हाँ, हुबली की जो बहुत ही अच्छे उड़ान करने वाले जो लक्ष्मण राणा थे, हाँ हाँ उनकी नस्ल है वो। बहुत 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 खास, मैंने बहुत नाम सुना था, एक 7-8 साल पहले बहुत नाम सुना था इसका। हाँ जी जी हाँ, जो हमारे शफीक पटेल साहब भी उड़ाए थे कबूतर। हाँ हाँ, शफीक पटेल के साथ लॉफ्ट पे ऐसे 7-8 कबूतर आए थे, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे ब्लैक टाइगर नस्ल की। तो बहुत दिनों बाद इसका शौक करने को मिला, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो। ये देखिए दोस्तों, ये चैंपियंस पिजन्स लीग गुलबर्गा के ऑर्गेनाइज़र इमरान भाई और अमजद भाई और उनके साथ अजहर भाई, और हम अभी तक अमजद भाई के कबूतर का शौक कर रहे थे, और इमरान भाई भी यहाँ पे आए हैं अमजद भाई के कबूतर का शौक करके। तो अमजद भाई, आपके कबूतरों के बारे में आप बताते कि अजहर भाई बताते, कुछ तो बताओ ज़रा। हाँ अजहर भाई बोलो ज़रा। कबूतर जो भी मेरे देख रहे, अजहर भाई देख रहे, अजहर भाई आपको शौक करा दे, करे आइए अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सभी भाइयों को। और जैसे कि भाई आज हम एके लॉफ्ट पे आए हैं, मैं जिनका ये लॉफ्ट है, हमारे अमजद भैया हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, और साथ में हमारे एक बड़े भाई हैं मेरे इमरान भाई जो यहाँ पे ठहरे हैं। तो जैसे कि सुहास भाई, यहाँ आने के बाद आपको शौक करा है, जो जो कबूतर हैं हमारे उड़े हुए गोल्डन सहारनपुरी जो बॉर्डर वाले हैं, जो हमारे हरे कबूतर हैं, और ब्लैक टाइगर जो देसी कबूतर हैं, तो माशाल्लाह जो उड़ान में, हर उड़ान में जब हम कबूतर उड़ाते भाई ये लॉफ्ट से, जो कुछ भी रिज़ल्ट रहता भाई इसमें, जैसे कि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम में कुछ ना कुछ ये पेटी से ये रहती, समझो इनाम में पेटी रहती है, कंट्रीब्यूशन रहता। और हमारे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उड़ान नहीं क्या है अमजद भाई की, क्या है मालूम है, उड़ान और किस्मत दोनों भी साथ में चलती भाई। इस मरतबा जो है ना किस्मत से नंबर नहीं लगा विंटर में, नहीं तो जो है ना बाज मार दिया, नहीं तो नंबर जो है ना लग जाता था नंबर उसकी तरफ से, जो है ना इस विंटर के इसमें जो है ना नंबर नहीं लगा। इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो है ना मेहनत करेंगे और अच्छी से अच्छी उड़ान बताने की कोशिश करेंगे। गोल्डन पेटी है, अब क्या बोलना, हर टाइम जो है ना नंबर लगता है भाई का। शुक्रिया शुक्रिया इमरान भाई। और ये हमारे अमजद भाई कुछ दो अल्फाज अपने तरफ से बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इमरान भाई और सुहास भाई, आप आके हमारे कबूतर का शौक किए, और हमको भी ऐसा लगा कि आप शौक हमको करा रहे हैं हमारे कबूतर का, बहुत ही अच्छा लगा सुहास भाई।